हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एप्सन L3100 में इंक कैसे फिलअप करते हैं, इंक रिफिल कैसे करते हैं। ये मेरे पास प्रिंटर रखा हुआ है L3100। हम इसके अंदर इंक रिफिल कैसे करेंगे, इसके लिए इंक आएगी एप्सन 003 वाली इंक आएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हो या आप मार्केट से भी लाके इसको रिफिल कर सकते हो। इसमें पूरे मॉडल नंबर यहां पे ऊपर दिए हुए होते हैं। ये 8 से 10 मॉडल्स के अंदर आप रिफिल कर सकते हो। L1110, L3100 ऐसे करके बहुत सारे मॉडल्स में इसको रिफिल किया जा सकता है। मैं आज ये इंक आपको रिफिल करके बताऊँगा। इसको ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए L003 नंबर की इंक है। पैसा टेमल का इंक आता है इसमें। इसको ओपन कर लेंगे। अब कैसे इसको रिफिल करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे होता है। इसको यहाँ से अपन ओपन करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 003, मतलब इसमें 003 नंबर की इंक डलेगी और ब्लैक, येलो, मजेंडा और श्याम चारों कलर के सामने ये बने हुए हैं बॉक्स। जिस कलर की इंक डालनी हो उसी कलर का बॉक्स ओपन करना है अपन को और उसमें फिलअप कर देना है। अपन को ब्लैक डालनी है तो ब्लैक ओपन कर लिया और फिर इसके बाद इंक को ओपन किया अपन ने। इंक को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको इसके ऊपर सीधा ऐसे कैसे ही उल्टा का उल्टा उल्टा कर देंगे इसके ऊपर ऐसे कैसे फिक्स। अब देखिए ये इसके अंदर इंक भरती जा रही है धीरे 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 धीरे। ये अपने आप फिलअप हो जाएगी, पूरी इंक इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इंक भरती जा रही है अपने आप और ये फिलअप होके फुल हो जाएगा। इसमें इंक लीक भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से फिलअप हो जाता है और अपन फिर इसको वापस सीधे का सीधा निकालेंगे और ये निकल जाएगा। इसमें अभी भी थोड़ी सी इंक बाकी है तो आप चाहो तो इसको बाद में भी फिलअप कर सकते हो। इसको वापस से बंद कर देंगे और ये आपकी कार्टेज रिफिल हो गई। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।